नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू मारू यूट्यूब चैनल में मेहुल मावाणी एज्युकेशन एंड कल्चर। जो मित्रों तमे आ चैनल पर नवा हो तो प्लीज मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करजो, एटले कि वीडियो ने नीचे आपेलू सब्सक्राइब नू लाल बटन दबावी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करो, जेथी नवा वीडियो लेने आवो तो तमारा सुधी झड़पथी पहुंची शको। मित्रों आज आपणे आ वीडियो में जोशू धोरण 7 विषय संस्कृत फर्स्ट सेमिस्टर एटले के प्रथम सत्रना चित्रपदानी त्रण विषय चर्चा करीशु। तो मित्रों तमे चित्रपदानी त्रण ना चित्रो जोया हशे, तेनी नीचे आपेला संस्कृत शब्दों एटले के संज्ञाओनो पण अभ्यास कर्यो हशे। तो हवे ते संज्ञाओनो गुजराती अर्थ विषय आपणे आ वीडियो में चर्चा करीशु अने शीखीशु। तो मित्रों तमे चित्रपदानी त्रणनो अभ्यास कर्यो हशे तो तेमा आपेला तमामे तमाम शब्दों नपुसकलिंग शब्दों छे, एटले के तमामे तमाम संज्ञाओनी पाछळ खोड़ो म मुकेलो छे। तो तेना उपरथी आपणे तरण करी शकीए कि जे शब्द संज्ञानी पाछळ म अर्धो म एटले के खोड़ो म आवतो होय ते तमामे तमाम शब्दों नपुसकलिंग शब्दों होय छे। आम चित्रपदानी एक मां पुल्लिंग शब्दों, चित्रपदानी बे मां स्त्रीलिंग शब्दों अने चित्रपदानी त्रण मां नपुसकलिंग शब्दों आपेला छे। तो तेमां सामान्य सामान्य माहिती आपणे तारवी लईशुं। सामान्य सामान्य लक्षणों तो आपणे पुल्लिंग स्त्रीलिंग अने नपुसकलिंग शब्दों संज्ञाओ पारखवामां तकलीफ पड़शे नहीं। तो मित्रों शुरू करिए चित्रपदानी त्रणना शब्दों अने तेना गुजराती अर्थ। तो मित्रों वीडियो शुरू करता पहला जो तमने आ वीडियो गमी तो प्लीज मित्रों वीडियो ने शेर लाइक अने सब्सक्राइब जरूर थी करजो। शुरू करिए चित्र पहलू। तो मित्रों चित्र पहलू आपने आपी छे खमीसनू शर्टनू, जेने संस्कृत में युतकम कहेवामां आवे छे। गुजराती अर्थ थशे खमीस अथवा शर्ट। परीक्षा में का तो चित्र पूछाशे, का तो गुजराती अर्थ लखेलो हशे अने का तो संस्कृत अर्थ लखेलो हशे। त्रणेयनो व्यवस्थित महावरो करेलो हशे तो आपणने उत्तर लखवामां तकलीफ पड़शे नहीं। आगळ जोईए बीजुं चित्र आपी छे चश्मानुं, जेने संस्कृत में उपनेत्रम कहेवामां आवे छे। गुजराती अर्थ चश्मा। आगळनो शब्द छे कास्को, जेने संस्कृत में कंकतकम कहेवामां आवे छे। गुजराती अर्थ कास्को। आगळनो शब्द छे आंगळो अथवा स्टॉपर, जेने संस्कृत में अर्गलम कहेवामां आवे छे। गुजराती अर्थ आंगळो अथवा स्टॉपर। આગળનો શબ્દ છે મિત્રો પાનું, જેને સંસ્કૃતમાં પર્ણમ કહેવામાં આવે છે। ગુજરાતી અર્થ થશે પાન અથવા પાંદડું, પણ તમે લખી શકો છો। આગળનો શબ્દ છે પંખો, જેને સંસ્કૃતમાં વ્યજનમ કહેવામાં આવે છે। ગુજરાતી અર્થ થશે પંખો। આગળનો શબ્દ છે કેરી, જેને સંસ્કૃતમાં આમ્રફલમ કહેવામાં આવે છે। ગુજરાતી અર્થ થશે કેરી। આગળનો શબ્દ છે ગૃહમ, જેને સંસ્કૃતમાં ઘર કહેવામાં આવે છે। આગળનો શબ્દ જોઈએ। આગળનો શબ્દ છે મિત્રો કમ્પ્યુટર, જેને સંસ્કૃતમાં સંગણકમ કહીએ છીએ। ગુજરાતી અર્થ થશે કમ્પ્યુટર। આગળનો શબ્દ છે મિત્રો દરવાજો, દરવાજાને સંસ્કૃતમાં દ્વારમ કહેવામાં આવે છે। ગુજરાતી અર્થ દરવાજો। આગળનો શબ્દ છે સાબુ, જેને સંસ્કૃતમાં ફેનકમ કહેવામાં આવે છે। ગુજરાતી અર્થ સાબુ। છેલ્લો શબ્દ મિત્રો, છેલ્લો શબ્દ છે બારી, જેને સંસ્કૃતમાં વાતાયનમ કહેવામાં આવે છે। ગુજરાતી અર્થ બારી। તો મિત્રો આ રીતે તમામે તમામ શબ્દોની પાછળ અડધા મનો ખોડા મનો ઉચ્ચાર થાય છે, તમામ શબ્દોની પાછળ મ આવે છે, માટે આવા શબ્દોને આપણે નપુસકલિંગ શબ્દો કહીએ છીએ, નપુસકલિંગ સંજ્ઞાઓ છે। તો મિત્રો આ રીતે ચિત્રપદાની ત્રણના તમામે તમામ ચિત્રો, તેના સંસ્કૃત શબ્દોના ઉચ્ચાર અને સાથે સાથે ગુજરાતી અર્થની
सुंदर माहिती आ वीडियो में आपी छे। आशा राखू छू कि तमने तमामे तमाम शब्दों गुजराती अर्थ समझाई गया हशे। जो मित्रों तमने आ वीडियो गम्यो होय तो प्लीज मित्रों आ वीडियो नी लिंक तमे तमारा अन्य मित्रों सुधी पण शेयर करजो, साथे साथे वीडियो ने लाइक जरूर थी करजो अने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर थी करजो कि तमने आ वीडियो केवो लाग्यो। अने खास सब्सक्राइब करवानू चूकता नहीं, एटले के वीडियो नी नीचे आपेलू सब्सक्राइब नू लाल बटन दबावी चेनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करो, जेथी नवा वीडियो लेने आवू तो तमारा सुधी झड़पथी पहुंची शकू। तमारो खूब खूब आभार।